नमस्कार, सलाम। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। एंड आई एम प्रशांत, एंड हियर आर द मेजर स्टोरीज फॉर द डे। एडीआर की ताजा रिपोर्ट से चिंताजनक संकेत। 17वीं लोकसभा के लिए बड़े पैमाने पर धनबल और बाहुबल का गठजोड़। बिहार के पटना साहिब में रोचक मुकाबला, देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। राष्ट्रवाद मुद्दा, लेकिन बच्चों पर किसी का ध्यान नहीं। तेजी से बढ़ रही है गायब बच्चों की संख्या, पुलिस ढूंढने में विफल। बिहार में नियोजित शिक्षक की आत्महत्या ने खड़े किए कई सवाल। प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सभी से हिम्मत रखने की अपील की। सूडान में गुस्सा बढ़ा, 4 प्रदर्शनकारियों की गोली लगने से मौत। अमेरिका के वेनेजुएला एम्बेसी में प्रदर्शनकारियों को बाहर करने की कोशिश। सबसे पहले बात एडीआर रिपोर्ट की, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसा लोकतंत्र बनाने जा रहे हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताज़ा रिपोर्ट से पता चलता है कि 17वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में शामिल 8,049 उम्मीदवारों में से 1500 पर आपराधिक केस हैं। इनमें से 1,070 पर तो गंभीर आरोप हैं, यानी हत्या और हत्या के प्रयास जैसे आरोप। इसके अलावा देश भले ही गरीब है, लेकिन करोड़पति कैंडिडेट की संख्या 29% है, यानी 2,297। इसे हम लोकतंत्र में बढ़ते धनबल और बाहुबल के तौर पर भी देख समझ सकते हैं। लेकिन अफसोसनाक ये है, और गंभीर चिंता का विषय भी, कि कुल 543 लोकसभा सीटों पर इन 8,000 उम्मीदवारों में से महिला प्रत्याशियों की संख्या महज 9% है, यानी कुल 716। अब आप तय कीजिए कि हमारी राजनीतिक दल महिला बराबरी और सशक्तिकरण को कितना महत्व देते हैं। ये बात हुई रिपोर्ट की, अब देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्ट पल्स ऑफ इंडिया, जनता की नब्ज टटोल रही हैं वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह। ग्राउंड रिपोर्ट पटना साहिब की, यहाँ 7वें और अंतिम दौर में 19 मई को मतदान होना है, और चुनाव मैदान में हैं भाजपा के बागी और अब कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा, और उनके सामने हैं मंत्री रविशंकर प्रसाद। गुजरात के रेलवे स्टेशन पर जाके चाय बेचिए, अभी कुछ बिहार में आने वाला नहीं है। भारत से सफाया। सारी चीज पड़ल है, सब चीज उपजा के उस सबके सब भाव पट्टा तेज हमनी के सस्ता। मोदी सरकार लेनिहार कोई नहीं है, गुनी है। लेनिहार नहीं रहता। कुछ भी ना, सब दवा ये सब खाद डीजल कुछ न, ये सब नौकरी उकरी हमने बहुत महंगा बहुत कहला कर लो। गंजी तो हमने के कमाई कमाई जुटिए नहीं रहा है, देख रहे लो आप स्थिति कुल के। हम लोग तो सर मोदी से बहुत परेशान हैं, हम लोग को इतना क्या कहें ना कहें कोई समझ में नहीं आता है। गला के भाव यानी किसान के फसल उपजला भाव कम रहता है, उसका खाद बिया दवा का भाव बहुत बढ़ा दिया। हम लोग तो मर रहे हैं, गंजी तो जंघिया ना जंघिया तो गंजी ना, कुछ जुड़ता ही नहीं है। हम लोग तेजस्वी के वोट देना चाह रहे हैं। अभी जो है दलित को हम समझते कि बहुत से लोग जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने, जिनके रहने के कोई साधन नहीं है, हैं कोई साधन नहीं है, कोई माने झोपड़ी बना करके और ऐसी फूस के माने मकान बना करके इस तरह के माने लोग रह रहे हैं, और उनके बाल बच्चा किस तरह से कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, सही इलाज नहीं हो रहा है, गंदे जगह में रहते हैं, गंदे जगह में खाते हैं। उनको रहने सहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आवास की आवश्यकता होना चाहिए, हम लोग ऐसा चाहते हैं। रोजगार इन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि भाजपा इसे मुद्दा नहीं बनना देना चाहती, उसका जोर राष्ट्रवाद पर है। लेकिन राष्ट्र के भविष्य बच्चों पर भी उसका ध्यान नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट है कि दिल्ली में गायब हुए बच्चों की तलाश करने में हमारी पुलिस विफल रही है, लगातार विफल। हिंदुस्तान अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 वर्षों में लापता हुए और उन्हें ढूंढने का प्रतिशत 45% घट गया। राज्यसभा में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2015 से 2018 के बीच 27,356 बच्चे दिल्ली से लापता हुए हैं।
इनमें से करीब 8000 बच्चों के बारे में अब तक कोई खबर नहीं है। ये तो सिर्फ दिल्ली में बच्चों के अपहरण की बात हुई, गायब बच्चों की बात हुई, लेकिन देश के स्तर पर ये तस्वीर और भी भयावह नज़र आती है। देश में साल 2001 से 2016 के बीच बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में करीब 900% की वृद्धि हुई है। जी हाँ, 900%। तो हमें आपको सवाल पूछना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा उनके भविष्य का मुद्दा, हमारे चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं है? अब एक दुखद घटना जो बिहार से है और जो हो सकता है आने वाले चुनाव को भी प्रभावित करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों पर एक फैसला दिया है और उस फैसले से आहत एक नियोजित शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है। यह घटना भागलपुर जिले के रन्नूचक में हुई। यहाँ उच्च विद्यालय के में भौतिक विज्ञान के शिक्षक विमल कुमार यादव ने सोमवार को फांसी लगा ली। आपको बता दें कि बिहार में पिछले काफ़ी समय से करीब 4 लाख एडहॉक यानी नियोजित शिक्षक अपनी नौकरी को लेकर आंदोलनरत हैं। कई बार आश्वासन मिला लेकिन पूरा नहीं किया गया और अब बिहार सरकार की ही अपील पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इन्हें नियमित नहीं किया जाएगा और न ही समान काम समान वेतन की मांग मानी जाएगी। इससे इन शिक्षकों में गहरी निराशा है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सभी नियोजित शिक्षकों से हिम्मत रखने और आत्महत्या जैसा कदम न उठाने की अपील की है। साथ ही अगले चरण में बिहार सरकार के खिलाफ मतदान की भी अपील की गई है। तो ये तो हुई देश की बात। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए पीपल डिस्पैच से प्रशांत राधाकृष्णन। In our international section, we first go to Sudan, where 4 protesters and 1 army major were killed by unidentified gunmen. At least 8 people have also been injured. The incident took place in front of the army headquarters in the capital city of Khartoum, where protesters have been staging a sit-in for many months, demanding that power be transferred to civilians. It is unclear as of now who is responsible, and the Sudanese army was quick to say that it was not. In fact, it claimed that outlaw elements had infiltrated the protesters and led to this violence. However, those on the ground, including some of the injured protesters, said that the notorious paramilitary force, the Rapid Support Forces, was responsible for the incident. The Rapid Support Forces, the RSF, is a notorious force which also includes the Janjaweed militia, which was responsible for genocide in Darfur. The head of this RSF, Mohammed Daklo, is the vice president of the Interim Military Council, and had earlier threatened the protesters. Just a few hours before the shooting, the RSF, along with the police, had attacked the protesters and dismantled some of the barricades. Similarly, over the past 1 week, the army has attacked the protesters in various parts of the city. The army came to the picture on April 11th when it overthrew former President Omar al-Bashir, who was in power for 30 years. The army stepped in after months of protests led by the Sudanese Professional Association and other political parties. Ever since the overthrow of al-Bashir, there has been some massive disagreement on the future of the country. On the one hand, the army is insisting that it should have a role in the future of the country. On the other hand, the civilian forces, led by the Sudanese Professional Association, has given a call that there should either be full transfer of power to the civilians or eternal revolution. In our second story, we go to the Venezuelan embassy in Washington, D.C., where U.S. law enforcement authorities are seeking to evict activists. The district police and the U.S. Secret Service broke open the locks of the embassy premises and served the eviction notice on members of the Embassy Protection Collective. The members of this collective have been occupying the embassy in order to prevent the takeover of this premises by supporters of the right-wing self-proclaimed interim president Juan Guaido. A U.S. State Department official said that a move by the police and the U.S. Secret Service was following a request by Carlos Vecchio, who is the envoy of Juan Guaido. Guaido, over the past month, has made quite a few attempts to seize power and overthrow the legitimately elected government of Nicolas Maduro. Now, this is the first time that the U.S. has explicitly taken a position in support of Guaido in the matter of the embassy. Many activists have pointed out that this is a violation of international conventions on this matter. Here's some footage on what's happening in the area. Venezuela!
संदेह इनको। आज के लिए बस इतना ही। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए www.newsclick.in पर जाइए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।